Por characterization, es el Rex Mortman de Mortal Shapes of Gravity, ya tiene Art for Protest, me quiero usar. O sea, un metal va bien, characterization con tu solo pre-production de UKLP, o tu solo visto production de UKLP. No me hace production de UKLP. Characterization ya puede atajar el sistema Start for Protest en Mortal. Mortal Start for Protest. मॉडलिंग जब हो जाता है उसके बाद आता है उस पर टेक्सचरिंग के लिए आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर को सिर्फ फोटोशॉप के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था. Still, but we are using Photoshop. Photoshop is basically a base of texturing. Without Photoshop, we can't survive. Whatever matte painted background होते हैं, वो सारे Photoshop से ही तैयार होते हैं. हाँ, हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ कि अब 3D texturing के लिए नए software आ गए. अब में से आप कुछ लोग जानते भी होंगे उस software से ना. Substance Painter आपने सुना होगा. So that is one of the revolutionary software. उसने क्या किया है? उसने procedural texturing बहुत जबरदस्त कर दिया. Procedural texturing क्या होता है? बने बनाए texturing. ठीक है, बने बनाए brush strokes. सब कुछ build नहीं होता है. बस आपको तो bracket drop करते जाना है और कुछ चीजें बनती हैं. फिर normal user है जो बिल्कुल zero है texturing के अंदर, भी बहुत जबरदस्त. मगर इससे गड़बड़ ये हुई है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा नॉन आर्टिस्टिक लोग आ गए, जिससे उनको बहुत परेशानी मिलने लगी. ठीक है, अब क्या होना शुरू हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ. सुनो, एक गेमिंग कंपनी है, उन्होंने एक टेस्ट लिया था, ये रहा टेस्ट. उन्होंने कहा था इसे आप मैक्स पे बनाए माया पे बनाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, जी ब्रश में हाई डिटेलिंग कर सकते हैं जैसे ये सलवट वगैरह पड़े हुए, बट उन्होंने एक स्पेशल नोट डाल दिया, प्लीज यूज ओनली फोटोशॉप फॉर टेक्स्ट. ये अभी 1.5 महीने पहले का ये इंटरव्यू है. तो ये चीज मैं आपको दोनों बताने के लिए इंडस्ट्री तो फोटोशॉप में कह दिया था कि ये हार्ड और सब्सटेंस में काम करने वाले लोग, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कुछ आर्टिस्टिक लोग हैं और फोटोशॉप में सारा काम का होता है मैनुअल टेक्सचरिंग होती है. आपने जानते आपने फोटोशॉप किया होगा, डिजिटल काफी काम किया. इसमें आपको अपना होल्ड अपना बनाना. ठीक है, मैं स्टूडेंट्स को इसमें भी कराता हूँ, फोटोशॉप में भी कराता हूँ और कुछ क्लासेस में आपको सब्सटेंस के लिए बाकी आपको ट्यूब्स दे दिए जाएंगे. तो इसमें आपको अप टू डेट होना बहुत जरूरी है. इसके अंदर जैसे एक दो चीजें मैं दिखा रहा हूँ आपको फोटोशॉप की टेक्सचरिंग की. जैसे ये क्या देख रही है, ये तो अभी बहुत पुराना है, जैसा कि नया भी बने इसका रेंडर निकाला है. क्या एक और देखते हैं, देखो ये जर्मन सिंगर है नासिस ब्लेक, इसका जो टेक्सचर है चेहरे का सारा ये फोटोशॉप से किया गया है. ठीक है, तो फोटोशॉप टेक्सचर चल रही है इसके ऊपर, इसे अभी और ज्यादा इसको एनहेंस कर दिया गया है. Mm-hmm.
normal systems,
सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। सर क्लियर नहीं सर, कम आ रही है आपकी आवाज। कम आ रही है? यस सर, बहुत धीरे धीरे हो, धीमे धीमे आवाज आ रही है सर। बट यहाँ पर तो ऑक्सीजन्स ने अपना इस सेल से जोड़ रखा है और यहाँ पर बहुत क्लियर आ गया। पता नहीं सर। और सभी को सर बहुत ही लो आ रही है, मतलब तो इतना क्लियर आ रहा था, बहुत ज्यादा आवाज क्लियर आ रही थी। आज तो बिल्कुल धीमे सर, बहुत ही ज्यादा सर आज भी कहा। और दूसरा ना पीछे से नॉच भी आ रहा है। सर लो आ रही है सर, आ रही है प्रॉब्लम, आ रही है सर, प्रॉब्लम आ रही है सभी को, आ रही है सभी को सर जी। सर मुझे तो सर साउंड ऐसा है कि मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं सुन सकते, सुन सकते हैं लेकिन हल्का पीछे नॉइज आ रहा है, ऐसा है, नॉइज आ रहा है हल्का आ रहा है सर। ऐसा भी नहीं कि मतलब नहीं सुन सकते, मतलब आवाज इतनी भी नहीं है खराब। हेलो, आवाज अब ठीक आ रही है? यस सर, यस सर ठीक आ रही है सर। नॉइस नॉइस कम आ रही है सर, नॉइस बहुत एकदम हल्की हो गई है। अब नॉइस अब नहीं आ रही सर नॉइस। हाँ वो मैं देखूंगा कितने। आपको मैंने बताया रिगिंग स्किनिंग के बारे में,
रिगिंग स्केलिंग जब हो जाता है उसके बाद स्टार्ट हो जाता है एनिमेशन। एनिमेशन अभी सुनाई दे रही है आवाज? यस सर, यस यस जी। एनिमेशन, एनिमेशन के बाद स्टार्ट होता है लाइटिंग, रेंडरिंग। लाइटिंग अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आपने एक कैरेक्टर बना लिया, मॉडल कर लिया, टेक्सचर कर लिया, रिगिंग स्केलिंग एनिमेशन बेहतरीन कर लिया आपने। लाइटिंग अगर आपकी पुअर होगी, एम्बियंस ऐसा नहीं बनेगा तो खत्म सब। लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज फार द सिनेमा इज कंसर्न। आप चाहे सिनेमैटिक की बात करें या एनिमेटिक की बात करें, तो लाइटिंग जो हम करेंगे इसमें होगी आर्नोल्ड। आर्नोल्ड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, साथ साथ में एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ आपको। आर्नोल्ड एज कंपेयर टू वीरे इज वेरी एक्सपेंसिव इन द टर्म्स ऑफ टाइमिंग। बहुत वक्त लेता है आप रेंडर करने में, रिजल्ट अच्छे हैं उसके, बहुत अच्छे हैं, बट टाइम बहुत कम है। उसका जो बफरिंग है बहुत स्लो है। मतलब कि आप समझ लीजिए, अगर मैं वीरे में कोई एक रेंडर निकाल रहा हूँ, अगर उसे 15 मिनट लग रहे हैं तो इसको 45 मिनट लगेंगे, ये एवरेज रहेगा। तो ये सबसे एक मुसीबत वाली चीज है जो आ रही है इसमें, बट नो डाउट द रिजल्ट्स आर गुड। तो आप रेंडरिंग जो देखेंगे आर्नोल्ड में देखेंगे, वीरे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वीरे अलग से एक रेंडरिंग इंजन है, उसको इंस्टॉल करना होता है। इट इज स्टिल अ थर्ड पार्टी प्लगइन, आप चाहे मैक्स में से इंस्टॉल कर सकते हैं। जहां तक आर्नोल्ड है ना, आर्नोल्ड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैक्स एंड दोनों में उसका इंटीग्रल हिस्सा बन गया। लाइटिंग रेंडरिंग हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फिल्म बन गई, स्टिल इट इज इन अ रॉ फॉर्मेट। कलराइजेशन करना होता है, कई जगह रिफ्लेक्शन ज्यादा आ गई है, शेडो ज्यादा आ गई है, उनको ठीक करना, स्पेक्टर ज्यादा आ गया, डिफ्यूज कलर बड़े फीके हैं, उनको ब्राइटन करना है। तो ये सारा गार्निशिंग जो होती है वो कहाँ होती है? पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ का मामला खत्म होता है और हम मूव करते हैं कहाँ पर? पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन, तो पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर जो मैं शुरुआत करना चाहूंगा वो है कंपोजिशन। मींस देखो जी, आप 3D में जो बनाएंगे उससे दो चीजें हो सकती है। या तो आप उसको रियल वर्ल्ड के साथ जा रहे हैं कंपोज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई रियल वर्ल्ड का कैरेक्टर आप सीजी वर्ल्ड में कंपोज कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक चीज। तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। टर्म छोटी सी है बट इट वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। आपने सुना होगा कंपोजर जो लोग होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, ठीक है ना, वो इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते, सीनियर कंपोजर तक पहुंचते पहुंचते 35-40 के आराम से हो जाते, ठीक है ना। आप डायरेक्टली कभी भी कंपोजर नहीं लग सकते, आपको सबसे पहले रोटो आर्टिस्ट लगना पड़ता है जो भी फिक्स कर जाए। तो रोटो आर्टिस्ट वायर फ्रेम बाय फ्रेम आपको सिलेक्शन करनी है या फ्रेम बाय फ्रेम कलर चेंज करना है। जैसे एक फिल्म आई थी मुगले राजा, 250s 50s की थी, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी, उसमें कुछ शॉट्स थे जो कलर में थे। वो पहली हिंदी फिल्म थी जो कलर में थी, थोड़ा सा शॉर्ट का कलर है, तो पूरी फिल्म को रंगीन बनाया गया था, उसको फ्रेम बाय फ्रेम कलर किया गया। तो ये भी उसी में आ जाता है। तो उस फिल्म को भी आप सिलेक्शन के साथ करके आप करते हैं उसको, या फिर आपने देखा होगा एक्शन सीन होते हैं, वायर लट लगाई होती है, वो जो हीरो है दीवार के ऊपर भागता हुआ देख रहा है, कभी ऐसा हो नहीं सकता, वो वायर लगाए होते हैं, वायर रिमूवल करना, ये सारे काम आपको करने होते हैं शुरू। उसके बाद धीरे धीरे आप जूनियर कंपोजर बनते हैं एंड देन यू नो सीनियर कंपोजर। हाई पेड लोग होते हैं ये कंपोजिशन के मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट।
पहले प्रोपोजिशन जो होनी शुरू हुई थी, जैसे मैं बात करूं जो मैंने एक फिल्म देखी थी ईटी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, मैंने आपको दिखाया भी था, अब उसमें जितने भी पार्ट थे वो अंधेरे में थे, ठीक है? तो वहां पर अंधेरे में क्यों होता है कि वहां पर जो थोड़ी खामियां होती है वो छूट जाती है, ठीक है ना, कॉम्पोजिशन करते हैं। फिर एक और फिल्म आई थी जुरासिक पार्क, उसमें भी ज्यादातर रात के इशू थे, मैक्सिमम रात के और जंगल के अंधेरा अंधेरा, ताकि जो कमी पेशी है वो। एक फिल्म आई थी जिसने कॉम्पोजिशन के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, और उसका नाम था डिस्ट्रिक्ट 9, डिस्ट्रिक्ट 9। तो ये फिल्म अवॉर्डेड मूवीज तो थी और हिंदुस्तान में चली नहीं, पिट रही। मेरे को याद है वो दिन जब हमें टीचर्स डे पे यहाँ पर हमारे डायरेक्टर ने भेजा था सारे टीचर्स को, जाओ देख कर आओ फिल्म, तो साकेत के थिएटर में गए थे, साकेत हॉल, साकेत पीवीआर। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा हॉल खाली था और पीछे दो आंटियां बैठी थी अपने बच्चों को लेके, शायद घर में लाइट चली गई होगी, इन्वर्टर काम नहीं कर रहा होगा, और बच्चे को दूध पिला रही है, रो रहा है, आया 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 आया। और कोने में कोई दो आशिक बैठे हुए थे, दो तीन बोल रहे हुए थे, बस ये हाल है। बताओ, बस इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई, इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी जिंदगी में मैंने कभी नहीं की थी। तो खैर, डिस्ट्रिक्ट 9 आप जरूर देखिएगा इस फिल्म को, इसमें दिन के सारे शॉट हैं, डे नाइट शॉट कॉम्बिनेशन एलियंस के साथ, जबरदस्त मूवी है। तो कॉम्पोजिशन मैंने सिर्फ एक शब्द लिखा है, अगर आप इसकी हायरार्की में जाएंगे वो बहुत लंबी फहरिस्त है। इसके बारे में और अच्छा जानना चाहते हो तो आप अपने जो भी आपके पोस्ट प्रोडक्शन की एडिटर्स है उनसे आप बात कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद स्टार्ट होता है आपका ई एफ एक्स विजुअल इफेक्ट्स। विजुअल इफेक्ट्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं, विजुअल इफेक्ट्स वो जो एक्चुअल में शूटिंग के दौरान पॉसिबल, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एक स्पाइडरमैन है और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जंप मार रहा है, तो कर दिया वो सीजी करेक्टर, ठीक है, या फिर आप खड़े खड़े मेल्ट हो गए, ऐसा हो नहीं सकता आपको फिर मेल्ट करेंगे, ठीक है, या आप धूल में कन्वर्ट हो गए, या वो नहीं, ठीक है, या आप हिट किया ग्राउंड पे, कल फॉर में तुम्हारा हाथ पड़ा, क्रैक पड़ गया उसमें, ये सब चीज है। तो जो चीज पॉसिबल दिमाग में होती है वो विजुअल इफेक्ट्स में काम किया जाता है। अब जैसे एक फिल्म आई थी 2012, उसमें वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था माया इमेक्स, उसके अंदर जो वोल्केनो इरप्शंस वगैरह दिखाए, बाढ़ आ रही है, वो सारा फूड डायनामिक्स माया के साथ किया था, और जो मकान गिर रहे हैं, पूरा ब्रिज टूट रहे हैं, सब फ्रेम हवा में उड़ रही है, वो सारा मैक्स, कॉम्बिनेशन बनाकर ये लोग काम करते हैं सॉफ्टवेयर। एफएक्स क्या होता है? एफएक्स आपके ये आपके फिजिक्स बेस्ड होते हैं, ये फिजिकल फिनोमेना पे बेस्ड होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन फिजिक्स, दे आर बेस्ड ऑन डायनामिक्स, जैसे फायर लगाना, एक्सप्लोजन होना, ठीक है ना, या एकदम बाढ़ की बौछार आना, बाढ़ आ रही है बड़ी तेज से शहर में घुस रही है। एक फिल्म आई थी उसमें कुछ पानी रियल था और कुछ पानी जो था वो रियल फिल्म में किया गया, जिसमें एक होटल की लॉबी में से आता है और वेटर भागने लग जाता है, वो अकेला वेट करता है। तो आप कभी गौर से देखना, बहुत ध्यान से, कि वो आपको पता लग जाएगा ये फिल्म के साथ काम किया है। तो बहुत मस्त काम किया, जो भी और छोटा सा था शॉर्ट उसमें, तो मैं वो देख उस फिल्म को मैंने उसी वजह के लिए देखा, क्योंकि उसमें एक मैगजीन में आता, उसमें उन्होंने रियल फिल्म का इस्तेमाल किया, मैंने कहा देखा जाए कि इन्होंने कैसे काम। तो एफएक्स के काम यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, एफएक्स में भी करियर अच्छे हो रहे हैं, मगर इनकी जॉब्स नहीं करेगा, ये इन हाउस रिक्रूटमेंट। जैसे मान लीजिए आप एक
स्टूडियो में लगे हुए हैं तकरीबन 3-4 साल से और आप वहाँ पे अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि जी मेरे को एफएक्स में चलना है, तो आपको वहाँ पे अलग से ट्रेनिंग दी जाती है एफएक्स के अंदर डिपार्टमेंट में और आपका काम पहले देखा जाता है, आपको इंटर्न एज ए इंटर्न ही रखा जाता है, उसके बाद फिर फाइनल आपको। इसमें भी बहुत ज्यादा प्रिसिशन चाहिए, इसके अंदर फिजिक्स है, कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको काम करना है फोर्सेस के ऊपर काम करना है, इसके ऊपर आपको ग्रेविटेशन चीजों के ऊपर काम करना है, टॉर्क के ऊपर काम करना है, बहुत सारी फिजिक्स की चीजें उनपे काम करना है, ठीक है जी। तो विजुअल इफेक्ट्स वगैरह आ सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें साउंड इफेक्ट्स और साउंड एडिट। देखिए साउंड इफेक्ट्स एंड साउंड एडिट क्या है, शूटिंग के दौरान कभी भी डायलॉग रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो शूट हो रहा था ना तो डायलॉग नहीं हो, क्यों, क्योंकि आसपास की आवाजें आ रही है नॉइस, तो आप बोले हो सर वो तो रात को कर ले तो रात को भी हो सकता है, आप क्या रात को आपको हमें की आवाज आई है, और आज के जमाने को देखकर आप यकीन नहीं करोगे बैठने के लिए तो बोली मारो
अब क्या है जो डायलॉग्स है डायलॉग द्वारा ए ट्रैक उसको रिमूव किया जा सकता है जो साउंड इफेक्ट्स है उसको रिमूव नहीं किया जा सकता क्यों नए स्टूडेंट्स बताएंगे पुराना स्टूडेंट कोई करेगा फिल्म के ऊपर जब ये चीजें रिकॉर्ड कर दी जाती है तो वोकल जो है जिसमें डायलॉग होते हैं उस ट्रैक को रिमूव किया जा सकता है बट एक बार साउंड इफेक्ट्स डाल दिया जाए तो उनको रिमूव नहीं किया जा सकता क्यों क्योंकि सर साउंड इफेक्ट दोबारा नहीं रिकॉर्ड कर सकते वोकल्स कर सकते और कोई सिर्फ नए स्टूडेंट्स चलिए जी मैं बताता हूँ वोकल इसलिए हटाए जाते हैं जैसे मान लो एक फिल्म बनी है कोई अंग्रेजी की इंफिनिटी वॉर ठीक है अब वो मेरे को दिखानी है जर्मनी में अब वहां के लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो जर्मनी में कब करना पड़ेगा अंग्रेजी की खोकर करना क्यों हिंदुस्तान में कन्याकुमारी तक बहुत सारी भाषा है मेरे को अभी तक याद है स्पाइडरमैन तो या तो भाषा ही इतनी पंजाबी में क्रिकेट होती है हिंदी में तमिल इवन आपके यहाँ पे देखा होगा कि तमिल फिल्म है या तेलुगु कन्नड़ फिल्म है वो हिंदी में कर देते हैं नाम अजीब अजीब तरह के मगर मगर साउंड इफेक्ट्स चीजों के पास है वो इसलिए भी हटाई जाती है क्योंकि चीजें की आवाज नहीं होती हम ऐसा तो क्या चाइनीज में ड्रॉप करो तो उसकी आवाज अलग आएगी क्या हो भाई अपने यहाँ कोर्ट में जाएंगे तो ड्रॉप वैसे ही बोले रहते हैं वो चाइनीज ड्रॉप हो जाएंगे इसलिए साउंड इफेक्ट्स नहीं हो नहीं रहते हैं तो उनको हटाए तो यहाँ पर ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती है चलिए जी आज फिलहाल इतना ही क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया और बाकी हम नेक्स्ट पे करेंगे और बस इसके तीन चार पॉइंट्स और रह गए हैं से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद स्टार्ट होगा इंग्रेडिएंट्स ऑफ सिनेमा और टेक्निकल पार्ट ऑफ उसकी थ्योरी ठीक है और उससे नेक्स्ट क्लास है सॉफ्टवेयर स्टार्ट क्योंकि आप थोड़ा टाइम ज्यादा लगे ना इससे मेरे को एक क्लास एक्स्ट्रा